हेलो गाइस, माय नेम इज सचिन कुमार एंड आई एम द टीचर ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम बीबीसी ग्रुप। गाइस, आज क्लास में हमको डिस्कस करना है द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो हमको डिस्कस करना है। देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्चुअली हम आपके बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, उसको डिस्कस कर रहे हैं। आपको इसमें याद रखना है कि साइंटिस्ट R.H.V. Taker ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और ये 5 पार्ट्स कौन कौन से थे बेटा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, जो पहला पार्ट है, जो पहला किंगडम है, उसका नाम है मोनेरा। मोनो माने सिंगल, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ सिंगल सेल के ही बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है वह है पहला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, हमने आपको बता रखा है कि बैक्टीरिया की जो इन्वेंशन, जो खोज, डिस्कवरी की थी, वो की थी साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। दांतों की जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है, जो सरफेस मैटर होता है, उसमें दांतों की जो खुरचन होती है, उस पर उन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा था। बैक्टीरिया वर्ड आया है बैक्टीरियन से, जो कि एक लैटिन टर्म है, और इसको दिया था एरन बर्ग, साइंटिस्ट थे। इसके बाद में हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप, साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया कई तरह के हो सकते हैं। जैसे सर्कुलर को हमने गोलाकार को कोकस बोला, लंबे को हमने बैसिलस कहा, विब्रियो कोमा शेप हो गया, स्पिरला स्प्रिंग शेप का हो गया। इसके बाद में हमने कहा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन पोषण किन तरीके से होता है। हमने देखा ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटो में 2 प्रकार देखे थे हमने, ऑटो के 2 टाइप्स हो गए। ऑटो का मीन्स अपने आप भोजन बनाने वाले, मतलब पहला टाइप कौन सा है इसका, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और दूसरा है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसके अलावा जो आपके हेटरोट्रॉफिक थे, वो भी 3 तरीके के थे। पहला सैप्रोफाइट्स, जो कि डीकेइंग डेड मैटर्स पर ग्रो करते हैं। सेकेंड था आपका पैरासाइट्स, जो कि किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं। और नंबर 3rd था सिम्बायोटिक्स, सिम्बायोसिस, यानी कि जो अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में एक म्यूचुअल फ्रेंड से बनाकर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। आपको पता है एसेक्सुअल का भी और सेक्सुअल का भी। सेक्सुअल को हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया है, 3 तरीके के होते हैं सेक्सुअल। और पहला जो होता है वह रहता है कंजुगेशन, जिसे देखा था लेडरबर्ग और टैटम ने बैक्टीरिया ई कोलाई में। नंबर 2nd होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको देखा था साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने माइस वाले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, और नंबर 3rd होता है ट्रांसडक्शन प्रकार से, जिसको ऑब्जर्व किया था सबसे पहले जिंडर्ग और लेडरबर्ग ने। ठीक है, इसके बाद में हम सब बैक्टीरिया पढ़ क्यों रहे हैं इतना, बैक्टीरिया क्यों पढ़ रहे हैं इतना। बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं। आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी के अंदर अभी भी पता नहीं कितने ही करोड़ बैक्टीरिया भरे पड़े हैं, जिनकी वजह से आप बहुत सारे काम भी कर पा रहे हैं। ये जो आप खाना खा रहे हैं, इसे पचाने में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा काम होता है। आपके अंदर बॉडी में विटामिन्स जो बन रहे हैं, बैक्टीरिया बनाता है। जो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया है, वह आपकी आंतों में रहता है और विटामिन्स बनाता है। लेकिन साथ ही हमारे दुश्मन भी होते हैं कुछ तरीके के, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, वह आपकी आंत में तो रहेगा लेकिन आपको टाइफाइड बुखार कर देता है। विब्रियो कोलेरी अगर आपकी आंत में पहुंच गया तो आपको हैजा कर देगा, उल्टी हो जाएंगे, दस्त हो जाएंगे आपको। मतलब ये हमारे फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं, शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो हमको दोनों चीज़ों को देखना है, हमको अच्छी चीज़ को, अच्छे बैक्टीरिया को अपने पास रखना है और जो बुरे हैं उनको दूर रखना है। तो जो अच्छे हैं हम उसको देखते हैं पहले, यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि हमारे लिए कौन कौन से बैक्टीरिया के अच्छे काम हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, यूजफुल हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी एलिमेंट होता है, तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं कौन करते हैं, बैक्टीरिया। जैसे कि मिथाइलोप्लस मिथाइलोट्रोफियस नाम का बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, सिकल सेल प्रोटीन बनाएगा, जो कि हमारी बॉडी की ग्रो करने के लिए काफी लाभदायक होती है। सेकंड है डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी माने जहाँ पे दूध वगैरह बनता है। देखो, दूध भैंस तो दे देगी दूध, लेकिन भैंस के दूध से दही बनाना, पनीर बनाना, मक्खन बटर घी बनाना, ये सब आदमी नहीं कर सकता, इसमें कौन करेगा, बैक्टीरिया काम करता है। अगर दूध से दही बन रही है तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम कर रहा है, बस समझ पा रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस काम कर रहे हैं,
पनीर बनाने में कुछ और काम कर रहा है, ठीक है। तो डेयरी इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा इन द डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, अगर कोई भी जीवित प्राणी कोई चीज मर जाती है तो वो क्या धरती पर हमेशा ऐसे ही पड़ी रहेगी? नहीं, वो धीरे धीरे डीके हो जाएगी, मतलब डीकम्पोज हो जाती है। वो डीकम्पोज करने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया इस धरती की सफाई भी करते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। तो इन द डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको डीकम्पोज करने का काम भी बैक्टीरिया ही करते हैं। मान लो कल कोई पशु मर गया और आपने डाल दिया खेत की जगह, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा पड़ा ही रहेगा, हो सकता है 2-4-6 महीने बाद वो खत्म हो जाए धीरे धीरे और हमेशा के लिए उसका सफाई हो जाए वहां से। तो इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, ऑर्गेनिक मैटर्स को डीकम्पोज करने के बाद में जो चीज़ें बनती हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। आपने देखा होगा जो किसान भाई हैं हमारे, वो घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करते रहते हैं, भैंसों से जो गोबर मिला उसे इकट्ठा करते रहते हैं, भैंसों का यूरिन से मिक्स होता है उसे इकट्ठा करते रहते हैं, तो वो एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और उसको टाइम से टाइम निकाल के खेतों में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि वो जो गोबर है, वो जो घर का कूड़ा कचरा है, वो जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मिथेनोजेंस, ये बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया जहाँ पर डाले जाएंगे वहाँ पर उस मिट्टी को फर्टाइल कर देंगे, यानी कि वह मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ बन जाएगी, उसमें आप कुछ भी चीज़ बोएंगे वह और ज़्यादा मात्रा में पैदा होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो बंजर जमीन होती है हमारे किसान भाई, वहाँ पर घर की खाद, कूड़ा करकट, गोबर को डालना पसंद करते हैं। इसके अलावा इन द फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, विनेगर क्या होता है? सिरका, सिरका खाते ना घर में, सिरके की मिर्च, सिरके का प्याज वगैरह खाते हैं, तो इन द फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, विनेगर बनाने में सिरके का काम होता है। इसमें कौन सा होता है? एसिडोबैक्टर, एग्जाम्पल एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है एसिडोबैक्टर, यह क्या करेगा? विनेगर बनाने में काम करेगा। विनेगर के साथ साथ ही एल्कोहल, जो दारू बनती है और सामान बनते हैं, दवाइयां बनती हैं कुछ, वो सब कैसे बनती हैं? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के हेल्प से ही ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। इसके बाद में क्या है, लेदर इंडस्ट्री, जो लेदर है, जो चमड़ा उद्योग है, वहां पर भी बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लेदर को सफाई और एक तरीके से पूरी तरह से बनाने में बैक्टीरिया ही काम करता है, बैक्टीरिया ही हेल्प करता है। इसके अलावा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलते रहते हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना खा के पचाना जरूरी है उसको, तो पचेगा किससे? बहुत सारे एंजाइम से, और एंजाइम कौन बनाता है? बैक्टीरिया। समझ पाए मेरी बात को? प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, शरीर की ग्रोथ के लिए विटामिन इज वेरी एसेंशियल, सो विटामिन का प्रोडक्शन भी बैक्टीरिया ही करते हैं। जैसे आपकी आंख में रहता है एक बैक्टीरिया ई कोलाई, ई कोलाई क्या करेगा? विटामिन बनाता है आपके पेट में रह के, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि विटामिन बनाते हैं और वो हमारे लिए लाभदायक है, यूजफुल है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या होती है? कुछ बैक्टीरिया, देखो एंटी का मतलब उल्टा, विरोधी, बायोटिक माने बैक्टीरिया से बनने वाली चीज है। कुछ बैक्टीरिया मैंने बताया, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी, और इस बैक्टीरिया को हमको मारना होगा, और बैक्टीरिया को हम मार पाएंगे तो एंटीबायोटिक की हेल्प से, और एंटीबायोटिक भी हमको मिलेंगे कुछ अलग बैक्टीरिया से। ये बात समझ पा रहे हैं? तो किसी बुरे बैक्टीरिया को मारने के लिए किसी अच्छे बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई दवाई का हम प्रयोग करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंटीबायोटिक क्या है? एंटी माने उल्टा, बायोटिक माने बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया गया इन्फेक्शन, तो उस इन्फेक्शन को मारने की जो दवाई है वह भी हमको बैक्टीरिया से ही मिलती है, लेकिन किसी अदर बैक्टीरिया से नहीं। बात समझ पाए? ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसको मैं आपको भेज रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे एम्फोटेरिसिन बी, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, तो क्या है बता, एम्फोटेरिसिन बी, ये बड़ा आपने सुना है, अभी अखबार में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, कोविड के बाद में जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस फैल रहा है, कोविड के बाद में जो ब्लैक फंगस हो रहा है, लोगों की आंख खराब हो रही है, दिमाग में तकलीफ पहुंच रहा है, तो लोग मर रहे हैं, तो उस फंगस को, उस कवक को, उस फंगस को मारने के लिए एक एंटीबायोटिक काम करता है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, इसे मारता है ब्लैक फंगस को।
ब्लैक फंगस को मारने के लिए क्या करेगा, एम्फोटेरिसिन बी दवाई या एंटीबायोटिक यूज की जाती है। और यह एम्फोटेरिसिन बी जो मेडिसिन है ये हमको अचीव होती है, प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडेसम, इससे मिलेगी स्ट्रेप्टोमाइसिस छोटा एन नोडेसम। यह बेटा नाम है किसका, यह नाम है बैक्टीरिया का जो बनाता है ये वाला एंटीबायोटिक, और ये एंटीबायोटिक यूज करते हैं हम ब्लैक फंगस। समझ पाए मेरी बात को? ऐसे ही अगर आपको टाइफाइड बुखार हो जाता है तो डॉक्टर देता है आपको दवाई क्लोरोक्विन, क्या देगा आपने देखा होगा पैरासिन नाम से कैप्सूल आते हैं, फेनिकोल नाम से कैप्सूल आता है। तो क्लोरामफेनिकोल क्या है, टाइफाइड को ठीक करने वाला एंटीबायोटिक है, और यह ठीक होता यह मिलता है हमको स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, इससे मिलेगा कौन सा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। मैं साफ साफ आपको नोट्स की पिक भेज रहा हूं बेटा, उसमें से नोट कर लेंगे। एक बात खास याद रखेंगे, आपको पता है कि कैरोलस लीनियस ने बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर दिया था, उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके दो वर्ड्स होते हैं नाम में, तो पहला वर्ड जीनस सेल स्पीशीज, तो स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा छोटा लिखना है आपको, तो यहाँ पे एन छोटा रहेगा यहाँ पे बी छोटा रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखने होते हैं और इन नाम को अंडरलाइन जरूर करना होता है, इस तरीके से करना है बेटा, ठीक है। मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, आप बनाएंगे। थैंक यू।